हे दोस्तों नमस्कार एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डी गुरुजी पर तो टाइटल और थंबनेल से आप सभी को पता चल गया होगा कि आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो है किस बारे में बात करने वाले हैं ठीक है तो ए टू जेड में आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा लंबा भी हो सकता है तो सारी अपडेट जो है देने का प्रयास करूंगा जितनी बातें मैंने टाइटल ता, ता, में थमनैिल में लिखी है उससे भी जो है आपको प्लस जो है बताने का प्रयास इस बारे इस वीडियो में जो हम लोग करने वाले हैं तो बिल्कुल एकदम बेसिक से जो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? अगर आप लोग बीएड की या डी की तैयारी कर रहे हो ठीक है या आगे टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से व्हाट्सएप से जो जुड़ सकते हैं नीचे लिंक दिया गया है इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर आप सभी को अपडेट जो है देखने को मिलते रहते हैं ठीक है थीके? तो स्टार्ट करते हैं ठीक है थीके? इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप लोग प्रवेश परीक्षा डी की या बी के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमारा जो बैच है चल रहा है डी के लिए उड़ान बैच चल रहा है बी के लिए जो है आपका एक्लब बैच चल रहा है सभी सब्जेक्ट की जो थ्योरी क्लास है आपको यहाँ पर हिंदी जी के रीजनिंग मैथ विज्ञान सबकी जो है थ्योरी क्लास पढ़ाई जाती है आपको यहाँ पर कंप्लीट थ्योरी क्लास माइक मॉक टेस्ट हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया टेस्ट सीरीज हो गया सब कुछ आपको इसी सेम प्राइस में जो है देखने को मिलता है ठीक है तो इस अगर आप बैच में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे डी ऑफिशियल ऐप की मदद से जो है जुड़ सकते हैं इस वाले ऐप को सिंपली आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको वहाँ पर पेड कोर्सेज में आपको डी के भी और बीएड के भी बैच जो है देखने को मिल जाएंगे सिंपली वहां पर आप डेमो क्लासेस लीजिए बाय नाउ पे क्लिक करके सिंपली पे प्ले पे ऑनलाइन करिए और जी पे फ़ोन पे जो भी चलाते हैं उससे जो आप लोग पे करके बैचेज परचेज कर सकते हैं ठीक है अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे पहले बीएड और डी के बारे में ठीक है हम लोग सिंपली जो है बात करने वाले हैं बी और डी के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया था इस वीडियो में तो काफ़ी लोग के डेली सवाल रहते हैं सर जी हम कन्फ्यूज हैं बी करें कि डी करें इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं तो सिंपली मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करते हैं बी के बारे में और बात करते हैं डी के बारे में ठीक है तो डी जो होता है एक डिप्लोमा कोर्स होता है और बी जो होता है ये डिप्लोमा नहीं है आपका ग्रेजुएश ग्रेजुएट कोर्स होता है ठीक है अब देखो बी करने के बाद क्या होता है ना अगर आप बी कर लेते हैं तो आप लोग अपर प्राइमरी यानी कि सिक्स टू एट के लिए आप लोग एलिजिबल रहते हैं नाइन्थ और टेंथ में जो वैकेंसीज आती हैं यानी कि जो टी की वैकेंसी आती है उसके लिए आप लोग एलिजिबल रहते हैं इसके अलावा एल ग्रेड हो गया ठीक है इसके अलावा जो आपका बेसिक शिक्षा अधिकारी बी -E हो गया और इस तरीके की कई सारी वैकेंसीज़ जो है आती हैं मतलब जो टीचिंग लाइन में थोड़े से अपर लेवल की जो वैकेंसीज़ होती हैं उसके लिए आप लोग एलिजिबल हो जाते हो ठीक है समझ में आ रहा है और डीएलएड करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं नर्सरी से फाइव वाला ठीक है यानी कि प्राइमरी शिक्षक के लिए और आप लोग का जो है सिक्स टू एट इसमें जो आप इन दोनों के लिए जो है आप लोग क्या रहते हैं एलिजिबल रहते हैं तो अब दोनों आपके हाथ में आप किस तरह के जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं किस प्रकार के टीचर बनना चाहते हैं तो आप इन दोनों के जो है हिसाब से अपनी जो है तैयारी अपना जो है प्रोफेशन जो है चूज कर सकते हैं ठीक है फिर से मैं आपको बताऊंगा बी करने के बाद आपके पास कई सारे रास्ते जो है खुल जाते हैं बी करने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे अब जैसे एन आया न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया उसके हिसाब से ये भी कहा गया है कि अगर आप कहीं प्राइवेट भी पढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग के पास बी की जो मिनिमम डिग्री है बी का होना ही होना चाहिए और आने वाले कुछ समय में जो टीचर बनने के लिए जो सबसे मेन मतलब अगर हम बात करते हैं फ्यूचर की बात करते हैं तो टीचर बनने के लिए जो सबसे मेन डिग्री होगी वो हो आपकी बी की होने वाली है गवर्नमेंट भी बी के लिए बहुत सारी जो चीज़ें करने वाला है तो मेरा एक सजेशन आप समझ लो ठीक है मैं बायस नहीं हो रहा हूँ मेरा एक सजेशन समझ लो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर बी है अगर डिलीट करना के सोच रहे हो इस वाले 2024 में डिलीट करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ क्योंकि वैकेंसी जो आनी थी आके लगभग लगभग आपकी बहुत सारी वैकेंसीज आई चली गई तो आप छोड़ो उसके ऊपर फोकस मत करो आपको अगर जो है अपना फ्यूचर सिक्योर करना है तो बी एड ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से डेलेट भी करना चाहते हो कर सकते हो कोई समस्या नहीं है आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन मैंने बता दी हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? अब अलग अलग स्टेट में बी के और डीएलएड के कई सारे प्रारूप होते हैं बीएड बी का तो सब जगह से एक ही है कि आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए मिनिमम फिफ्टी परसेंट डिग्री होना चाहिए और डीएलएड के लिए आपका बेसिकली क्या होता है भैया मैंने आपको बताया था डी के लिए जो है अगर आप यूपी में हो तो मेरिट के हिसाब से होता है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए अगर आप बिहार में हो तो वहाँ ट्वेल्थ के बाद होता है ट्वेल्थ में आपका फिफ्टी परसेंट होना चाहिए वो सब बताया था अब यहाँ पर हम लोग सिंपली बात कर लेते हैं अगर आप लोग बी करने की सोच रहे हो ठीक है अगर आप लोग बी करने की सोच रहे हो तो बी के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं ठीक है बी के सिलेबस की बात करते हैं बी के पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो मैंने आपको बहुत सारे कई सारे वीडियोस में बी के सिलेबस के बारे में पैटर्न के बारे में बताया है तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से जो बताऊंगा जो बैच लेना चाहते हो वो ले सकते हैं वहाँ पर उसकी कम्प्लीट तैयारी आपको ऑलरेडी करवाई भी जा रही है ठीक है और जितने भी स्टेट वाले हैं ठीक है और सब स्टेट में लगभग लगभग सिलेबस आपका सेम होता है ठीक है सब्जेक्ट आपके सेम होते हैं बस क्वेश्चंस के नंबर कहीं ज़्यादा होते हैं कहीं कम होते हैं कहीं पेपर ज़्यादा होते हैं कहीं पेपर कम होते हैं बट आपको सब्जेक्ट वही पढ़ना है बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है ठीक है फॉर्म कब आता है बेटा फॉर्म आपका ये जनवरी चल रहा है ठीक है चाहे डी की बात करते हैं तो डी के फॉर्म जो है आपके चल रहे हैं थोड़ा सरवरी इशू चल रहा है बट फॉर्म आपकी बात करते हैं जनवरी के मिड तक मतलब पंद्रह जनवरी से लेकर पंद्रह फरवरी के बीच में आपके जो फॉर्म आ जाते हैं मई में आपका एग्जाम हो जाता है बी वाला ठीक है बी वाला एग्जाम वहीं हो जाता है डी वाला जो बिहार में डी एड स्पेशली चल रहा है बिहार में ही चलता है वहाँ पे 6 मार्च को एग्जाम है बट यहाँ पर याद रखिएगा इसके फॉर्म आते हैं ठीक है अगर हम बात करते हैं कितना कट ऑफ जाता है तो कट ऑफ हमेशा याद रखिएगा हर स्टेट के अलग अलग है स्टेट के अलग अलग क्यों बता रहा हूँ कहीं भैया चार नंबर का पेपर होता है कहीं डेढ़ नंबर का होता है कहीं एक नंबर का होता है तो ये मान के चलिए आपको मिनिमम सिक्सटी नंबर ठीक है सिक्सटी का मतलब क्या होता है चार नंबर का अगर आपका पेपर है सिंपल सी बात है बात है चार सौ का साठ परसेंट निकाल लो, दो सौ चार का चौबीस दो सौ चालीस नंबर हो गया तो दो सौ चालीस प्लस नंबर लेकर के आ रहे हो अगर चार सौ में तो आपकी गवर्नमेंट सीट के चांसेस बढ़ जाते हैं ठीक है अगर एक सौ बीस नंबर का पेपर हो रहा है तो बादशाह का बहत्तर बहत्तर तीन पचहत्तर कर लो तो पचहत्तर प्लस नंबर लेकर के आ जाते जा हो तो आपके गवर्नमेंट सीट के चांस बन जाते हैं तो ये आपका होता है ठीक है तो ये आपको हो गया भैया पेपर कब आता है बुक की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था बुक को कोई खरीदने की खास जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपको अपने वाले बैच में बुक्स के भी पी दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ और प्रैक्टिस सेट भी दे रहा हूँ और आपको थ्योरी पढ़ा ही रहा हूँ तो बुक्स के लिए जो बार बार कहते हो सर बेस्ट बुक बता दो अगर कुछ मार्केट में आता है अच्छा आपको बताने लायक तो मैं आपको बेस्ट बुक बता दूंगा बट बत अभी बुक्स के बारे में मत सोचो ठीक है सिलेबस मैंने आपको बता रखा था जैसे ये यूपी का सिलेबस है ये वाला पी मैं आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा यूपी का सिलेबस है बिहार का सिलेबस है राजस्थान का सिलेबस है जितने भी सिलेबस हैं लगभग लोगों मैंने इस वाले जो है वीडियो में डाल रखे हैं और आप देखोगे सारे ठीक है सारे जो स्टेट हैं जितने भी आपके स्टेट हैं वहाँ पर आपको यही सब्जेक्ट आपको पढ़ने ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ सब्जेक्ट कौन से पढ़ने हैं यही जो आपको मैं बता रहा हूँ ठीक है हिंदी हो गया जी के हो गया इंग्लिश हो गया मैथ हो गया रीजनिंग हो गया विज्ञान हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया यही सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो आपके कॉमन सब्जेक्ट आते हैं जो सबके लिए होते हैं चाहे आप साइंस के हो चाहे आर्ट के हो चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो ठीक है तो यही सारे सब्जेक्ट आपको वहाँ पर जो है बेसिकली आपको बेसिक बेसिक जो है पढ़ना है ठीक है तो इस पी को वहां से जाकर के जो है देख लीजिएगा इस पी में मैंने आपको जो है सिलेबस बता रखा है दे रखा है हर साल यहाँ से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके बहुत अच्छे अच्छे जो रैंक भी जो है निकल करके आते हैं मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट के जो है यहाँ पर जो है वो भी रखे हुए हैं तो देख सकते हैं अच्छे अच्छे रैंक यहाँ से जो निकले हुए हैं तो इस तरीके से जो है तैयारी अगर आप करना चाहते हैं गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं तो आप लोग जो है हमारा बैच जो है आज ही ज्वाइन करो जिससे आप लोग अपनी तैयारी को जो है एक लेवल अप लेकर के जो है जा सके अगर आपके अभी भी कोई सवाल बच रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछने का प्रयास करिए आपको बताया जाएगा उसके बारे में ठीक है तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं अगर कुछ और सवाल बचे हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा तो अभी के लिए बाय टेक केयर जय हिंद जय भारत धन्यवाद